दिनेश लाल यादव निरहुआ को हुई लाइलाज बीमारी। जी हाँ, हमें पता है आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन दिनों क्या आपने फिल्मों को छोड़ निरहुआ को किसी भी स्टेज शो में देखा है? अपने जहन पे जोर डालिए और याद कीजिए कि क्या 2 से 4 महीनों के भीतर आपने कभी भी निरहुआ को कोई भी स्टेज शो करते देखा है। अगर आप अपने जहन पे जोर डालेंगे तो जवाब मिलेगा नहीं। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इन दिनों कोई भी स्टेज शो नहीं किया है। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ इन दिनों जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उसके पीछे वजह बताई जा रही है उनकी आवश्यकता से अधिक शराब का सेवन करना, यानी कि जरूरत से ज्यादा शराब पीना, और शराब पीने की वजह से ही उन्हें इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। जहां दिनेश को एक तरफ डॉक्टरों ने सख्त हिदायत दे दी है कि वो अब अगर शराब को हाथ लगाएंगे तो उनके लिए ये जानलेवा हो सकती है, इसलिए अगर दिनेश फिल्में कर रहे हैं तो उसमें वो स्टंट सीन यानी कि मार धाड़ वाले सीन वो नहीं बल्कि उनका बॉडी डबल करता है। जहां तक स्टेज शो की बात करें तो वो भी अब निरहुआ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टेज शो करते वक्त नाचना और गाना दोनों पड़ता है जिसमें काफी एनर्जी लगती है, इसलिए निरहुआ ने स्टेज शो से लेकर हर वो एक चीज बंद की है जिसमें एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वो जल्द ही अपना स्टेज शो करना शुरू कर देंगे। हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि निरहुआ जल्द से जल्द ठीक होकर भोजपुरी जगत में फिर से तहलका मचाने के लिए तैयार हो जाए। भोजपुरी जगत की मसालेदार और हॉट गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।